जिलाधिकारी ने सर्वाधिक नामांकन करने वाले विकास खंडों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी द्वारा गणित के ज्ञान को बढ़ाने के लिए छात्र छात्राओं को गणित की किट तथा विज्ञान की शिक्षिकाओं को विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान की किट वितरित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 1.91 करोड़ छात्र छात्राओं की ड्रेस एवं स्टेशनरी खरीदने को छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि देने की प्रक्रिया का शुभारंभ मुख्यमंत्री लखनऊ के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सर्वाधिक नामांकन करने वाले विकास खंडों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कक्षा 1 में नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। गणित के ज्ञान को बढ़ाने के लिए गणित के किट का वितरण भी छात्र छात्राओं को किया गया तथा विज्ञान की शिक्षिकाओं को विज्ञान को प्रोत्साहित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा विज्ञान की किट वितरित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ी है वह बेहतर प्रबंधन एवं कुशल नेतृत्व का संकेत है। शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। प्राथमिक विद्यालय इस प्रकार के हो जाएं कि हमारे अधिकारी भी बच्चों को बढ़ाने में गर्व महसूस करें। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा एवं जूनियर स्कूलों में पहले के मुकाबले अब बहुत परिवर्तन आया है। शिक्षक जो संस्कार बच्चों में डालते हैं वे बच्चा हमेशा याद रखता है और शिक्षकों का दायित्व है कि वे अपने विद्यालय के बच्चों में अच्छे संस्कार प्रदान करें। शिक्षक अपनी गरिमा को बनाए रखें। आप संकल्पित होंगे तो विद्यालय भी श्रेष्ठ होगा। गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर बच्चों में सकारात्मक सोच विकसित करें। इस अवसर पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान, खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे। किताबें और कई चीजें वितरित की गई, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी द्वारा प्रदेश के 1,91,00,000 बच्चों के अभिभावक के खाते में 1200 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। उन पैसों के माध्यम से बच्चों को स्कूल की ड्रेस, बैग, जूते मोजे, स्टेशनरी, स्वेटर आदि बच्चों के अभिभावक के माध्यम से खरीदे जाएंगे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधा बच्चों के खातों में पैसा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के देखरेख में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी लगभग 2,00,000 बच्चों के अभिभावक के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब बच्चों के लिए उनका स्तर ऊंचा हो सके इस क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम था और कितने बच्चों को आज जो है धनराशि उपलब्ध कराएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज DBT के माध्यम से जो धनराशि अब बच्चों के अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की जानी थी उसका शुभारम्भ किया है। इसके तहत प्रदेश में 1,91,00,000 बच्चों की धनराशि उनके खातों में मिली। जनपद में लगभग 2,00,000 नामांकन के प्रथम चरण में हम लोगों के लगभग 1,46,000 बच्चे हैं जिनके खाते में धनराशि आज स्थानांतरित की गई। ये धनराशि 1,200 रुपये की तरफ से सभी बच्चों को मिलती है। इसमें उनको 2 सेट यूनिफार्म, जूता मोजा, बैग, स्वेटर और स्टेशनरी खरीदनी है। पिछली बार तक ये धनराशि 1,100 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 1,200 रुपये किया गया है। जो 100 रुपये बढ़ाए गए हैं स्टेशनरी को ऐड किया गया है, इसलिए बढ़ाया गया है। मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है, याजिश है कि इस 1,200 रुपये की जो धनराशि उनको मिली है उसमें जो निर्धारित सामग्री है वो बच्चों के आगे बढ़ने के लिए है, बच्चों के पठन पाठन के आपको और अच्छे करने के लिए है। तो मेरा सभी अभिभावकों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि उससे ये सामग्री खरीद करके अपने बच्चों को प्राप्त करें। सर, इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले टीचरों को भी सम्मानित किया। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ हमने अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम भी किए। उसमें हमारा प्रत्येक विकास क्षेत्र से हमने एक अध्यापक को बुलाया था जिसके यहाँ सर्वाधिक नामांकन हुआ है, ऐसे हमने अपने टीचर्स को सम्मानित कराया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पाठ्यपुस्तक भी आ गई हैं जिनका वितरण बच्चों को हो रहा है। कुछ बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से मैंने यहाँ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसका पाठ्यपुस्तकों का वितरण भी कराया है। इसके अलावा जो हमारे प्राथमिक शिक्षा विद्यालय हैं उनके बच्चे, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके बच्चों को गणित और विज्ञान में और उनको सुगम बनाने के लिए मैथ किट और विज्ञान किट जो है NCERT के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसका वितरण हम लोगों ने यहाँ माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवाया है।
सर आज शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम था और बच्चों को क्या वितरित किया गया? देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश स्तर पर सभी बच्चों के गार्जियंस के खाते में 1200 रुपये स्थानांतरित किए DBT के माध्यम से, और इसके पीछे मंशा यह है कि बच्चे के गार्जियंस उसके स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा और इसमें 100 रुपये स्टेशनरी का भी है, जिससे बच्चे को स्टेशनरी दे सकें। किताबें मुफ्त मिलती हैं। अभी एक शिकायत आती थी कि साहब बच्चा स्टेशनरी नहीं खरीद पाता, तो उसके लिए भी 100 रुपये, ये 1200 रुपये आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं। और उस अवसर पर जिन शिक्षकों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जहाँ नामांकन बढ़े हैं, जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उन शिक्षक और शिक्षिकाओं को यहाँ सम्मानित भी किया गया, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, नगर विधायक जी, गोपाल अंजान जी, इन लोगों द्वारा अपनी प्रतिभाग किया गया। और निश्चित रूप से मैं सभी शिक्षकों को और शिक्षा बेसिक शिक्षा परिवार को बधाई दूंगा। हमारा नामांकन बढ़ते बढ़ते अब आज 2 लाख से ऊपर हो गया है, जो निश्चित रूप से एक अचीवमेंट है। इस बात को दर्शाता है कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में आम जनमानस की रुचि बढ़ी है, और हम लोगों का प्रयास यही है कि हमारे विद्यालय और बेहतर काम करें, खासकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर हम सतर्क हैं और उसको और बेहतर करने की।